नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं विद्याधर नगर विधानसभा सीट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले विद्याधर नगर सीट पर बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी पर दाव खेला है, तो वही कांग्रेस ने सीताराम अग्रवाल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, विद्याधर नगर सीट से लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। इस बार विद्याधर नगर सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने विद्याधर नगर सीट से भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को इस सीट से मैदान में उतारा है। बता दें, इस सीट पर वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी हैं और वो लगातार 3 साल से सीट पर चुनाव जीतते आए हैं। इसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद आम जनता के मन में काफी सवाल है। एक तरफ राजकुमारी को मैदान में उतारने के बाद इन दिनों स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो हम अपनी शिकायत कहां लेकर जाएंगे, विधायक कार्यालय या फिर महल में। तो वहीं दूसरी तरफ सीताराम अग्रवाल लोगों से वादा कर रहे हैं कि विधायक न होने के बाद भी उन्होंने 800 करोड़ रुपए का काम किया है और आगे भी करेंगे। अब परिणाम होगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि क्या परिणाम आता है। अब अगर विद्याधर नगर सीट के 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के नरपत सिंह राजवी ने 31,232 मतों के भारी अंतर से सीताराम अग्रवाल को हरा कर यहां जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में सीताराम अग्रवाल को 64,367 वोट मिले, तो वही नरपत सिंह राजवी ने 95,599 वोट हासिल कर यहाँ से जीत दर्ज की थी। अब बात करें विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 3,37,000 के आसपास मतदाता हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और वैश्य वोटर्स भी यहाँ पर भाव रखते हैं। बात करते हैं बीजेपी की उम्मीदवार दिया कुमारी के बारे में। राजकुमारी दिया कुमारी ने राज परिवार से निकलकर राजनीति शुरू की। आपको बता दें, 10 दिसंबर 2013 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और पहली बार सवाई माधोपुर से विधायक बने। इसके बाद वह 2019 में राजसमंद से लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। सांसद के अलावा राजकुमारी अपना खुद का फाउंडेशन भी चलाती है। इसके साथ ही वह 2 स्कूल और 3 होटल भी चलाती है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि वे राजस्थान की अगली CM हो सकती है। वहीं अब बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल की, तो वे राजधानी के नामी उद्योगपति और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और वे विद्याधर नगर सीट से पिछला चुनाव हार चुके हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार विद्याधर नगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।